बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ एमसीक्यूज़ डिस्कशन ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम टॉक्सिकोलॉजी को रिवाइज करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एमसीक्यू बुक। सबसे पहला एमसीक्यू है गैस्ट्रिक लैंग्वेज इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन। गैस्ट्रिक लैंग्वेज की सर्टन कंडीशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, तो आपको पहले बता चुका हूँ कि जो स्टोमक वैश या गैस्ट्रिक लैंग्वेज होता है ये कोमा कन्वलियन अनकॉन्शियस पेशेंट में परफॉर्म नहीं किया जाता। इसके अलावा और इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन में लिखा है कि अगर गैग रिफ्लेक्स इम्पेयर्ड होता है या कोरोसिव वोलेटाइल पॉइजनिंग हो गई है, पेट्रोलियम कैरोसिन या स्ट्राइचिन की पॉइजनिंग है, हाइपोथर्मिया हो चुका है, इसोफेजियल वैरिसिस है, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस है, या कोई रिसेंट सर्जरी परफॉर्म की गई है स्पेसिफिकली जीआईटी की, तो इस केस में गैस्ट्रिक लैबेज का परफॉर्म नहीं किया जाता। जबकि इसकी इंडिकेशन में पेशेंट को कॉन्शियस होना चाहिए अगर पेशेंट ने पॉइजन को इंजेस्ट किया है विद इन 4 to 6 आवर, ठीक हो गया, बेबी लेस देन 6 मंथ है, या एस्पिरिन की पॉइजनिंग है। लेकिन अगर एस्पिरिन या ओपियाइड्स की पॉइजनिंग 24 घंटे के बाद, तब हम गैस्ट्रिक लैवेज परफॉर्म कर सकते हैं। नॉर्मली ओरल रूट के लिए ये प्रिस्क्राइब किया जाता है, लेकिन मॉर्फिन अगर इंट्रावीनस रूट से ली गई है इसके लिए भी गैस्ट्रिक लैवेज परफॉर्म करा सकते हैं। तो ये होगी गैस्ट्रिक लैवेज की इंडिकेशन और कॉन्ट्राइंडिकेशन। नेक्स्ट एमसीक्यू, वाल स्क्रैपिंग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। वाल स्क्रैपिंग किस पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट के अंदर दिया जाता है? तो वो होता है ऑक्जैलिक एसिड। ना सल्फ्यूरिक एसिड, ना कार्बोलिक एसिड, ना ही फिनॉल। आपको पता है कि जो ऑक्जैलिक एसिड है ये ऑर्गेनिक एसिड वाली कैटेगरी से बिलोंग करता है, ठीक हो गया, ऑक्जैलिक एसिड, ठीक है, ओके, ऑर्गेनिक एसिड है। और इसके अलावा ऑर्गेनिक एसिड में कार्बोलिक एसिड होते हैं। ऑक्जैलिक एसिड को एसिड ऑफ शुगर, साल्ट ऑफ सोरल बोलते हैं, ओके, साल्ट ऑफ सोरल बोलते हैं। कलरलेस ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, चिलेटिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, ब्लीचिंग एप्लीकेशन है, क्लीनिंग एप्लीकेशन के तौर पर इस्तेमाल होती है। इसका टेस्ट रिलेटिवली सोर होता है और एसिडिक होता है, लेकिन मैग्नीशियम सल्फेट और जिंक सल्फेट का टेस्ट बेटर होता है। इसका रिएक्शन स्ट्रांगली एसिडिक होता है, जबकि मैग्नीशियम सल्फेट और जिंक सल्फेट का रिएक्शन न्यूट्रल होता है, ठीक हो गया। इसके कन्फर्मेटरी टेस्ट में सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, कैल्शियम टेस्ट, लेड टेस्ट और परमैंगनेट टेस्ट आ जाती है। और इसकी पॉइजनिंग से रिलेटेड एक सेइंग होती है जिसको बोलते हैं क्रिस्टियन सेइंग। क्रिस्टियन सेइंग में ये कहा गया है कि अगर किसी पॉइजन को स्वैलो किया गया और इसका कलर क्रिस्टलाइन वाइट था, उसका टेस्ट स्ट्रांगली एसिडिक था, और इसको लेने के बाद वायलेंट वॉमिटिंग होती है, स्टमक में पेन होता है, पल्स काफ़ी फीबल हो जाती है, कोल्ड स्वेट आती है, कोलैप्स आ जाता है, और फाइनली 1 ही घंटे में मौत हो जाती है, तो वो पॉइजन मोस्ट प्रोबेबली ऑक्जैलिक एसिड होता है। तो इन शॉर्ट जो ऑक्जैलिक एसिड होते हैं इसके जो साइन सिम्टम होते हैं उसके उसमें सोर एसिडिक टेस्ट होता है, इसोफेजियल पेन होता है, एपिगेस्ट्रिक पेन होता है, कॉफी ग्राउंड वॉमिटस होता है। और इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या देते हैं, वाल की स्क्रैपिंग करते हैं, ठीक हो गया। तो वाल की स्क्रैपिंग इसी की ट्रीटमेंट में करते हैं। इसके अलावा कुछ एंटीडॉट भी अप्लाई करते हैं। जो फिजिकल एंटीडॉट होता है उसमें डिम्यूलसेंट है, जबकि केमिकल एंटीडॉट में लाइम वाटर, कैल्शियम क्लोराइड, चाक सस्पेंशन एंड कैल्शियम ग्लूकोनेट है। इसकी डिकन्टेमिनेशन के लिए गैस्ट्रिक लैवेज और बाउल इरिगेशन करते हैं, गैस्ट्रिक लैवेज विद कैल्शियम लैक्टेट और बाउल इरिगेशन विद पर्गेटिव और एनीमा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा ये ऑक्जैलिक एसिड का सिनारियो था। नेक्स्ट है एकोनाइट पॉइजनिंग इज मेनली कॉज्ड बाय। एकोनाइट पॉइजनिंग किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? आपको पता है कि जो एकोनाइट होती है ये कार्डिक पॉइजन है। कार्डिक पॉइजन एकोनाइट के अलावा डिजिटलिस पुरपुरा होता है, ओलियंडर होता है और निकोटीन होता है। जो एकोनाइट की पॉइजनिंग होती है वो मेनली रूट से होती है। हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल पूरा का पूरा प्लांट जहरीला जहरीला होता है, लेकिन इसकी रूट रिलेटिवली बहुत ज़्यादा पोटेंट होती है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है, ठीक हो गया। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है एकोनाइट का? तो एकोनाइट आपको पता है कि जो एक्साइटेबल टिश्यू जैसे कार्डिक है, सीएनएस है, कुछ न्यूरॉन्स होते हैं, उनके सेल मेम्ब्रेन पर जाके बाइंड करता है। वहाँ पे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल होते हैं, तो ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल पर जाके बाइंड करता है। शुरू में तो ये स्टिमुलेट करवा देता है, लेकिन बाद में आके ये सेंसरी सिक्रेटरी और मोटर नर्व की ट्रांसमिशन को ब्लॉक कर देता है, ठीक हो गया, उनके ट्रांसमिशन को पैरालिसिस करवा देता है। तो ये था एकोनाइट, जो कि कार्डिक पॉइजन वाली कैटेगरी में आप पढ़ते हो। एकोनाइट के दूसरे नाम क्या होते हैं? मीठा जहर, मीठा विष और ब्लू रॉकेट भी बोलते हैं, ओके, ब्लू रॉकेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। हीरोइन इज विच टाइप ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ओपीएम? हीरोइन किस टाइप का होता है ओपीएम? तो ओपीएम जिसको अफीम भी बोलते हैं, तो जो हीरोइन होती है उसको हम ब्राउन शुगर या उसको जंक बोलते हैं, ये ओपीएम का सिंथेटिक डेरिवेटिव होता है। असल में जो एक ओपीएम पोपी प्लांट होता है उस ओपीएम पोपी प्लांट में ओपियाइड अल्कलॉइड्स होते हैं। तो उसका अनराइप कैप्सूल क्या होता है? उसका अनराइप अभी पका हुआ नहीं है, कच्चा है, अनराइप कैप्सूल, उसका जो जूस होता है वहाँ से ये बनाई जाती है। जो पॉपी के सीड्स होते हैं, आपको पता है कि जो पॉपी के सीड्स एक मरतबा पक जाते हैं तो उनको खशखास बोलते हैं, और ये कुकिंग के लिए इस्तेमाल होती है, नॉन टॉक्सिक होती है, ओके। और ये जो ओपियाइड्स होते हैं
ये पॉइजन ऑफ चॉइस होते हैं फॉर द सुसाइड, सुसाइड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये पेनलेस डेथ करवा देते हैं। इनमें आपको पता है कि ओपियाइड की वजह से पिन पॉइंट पीपल आ जाता है, रिस्पायरेटरी डिप्रेशन आ जाती है। इसके लिए एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं मार्कविज टेस्ट। ओपियाइड की पॉइजनिंग को रिवर्स करने के लिए जो एंटीडोट लेते हैं उसका नाम है नैलॉक्सोन सोडियम। और इसके अलावा अगर मॉर्फिन की विड्रॉल करवानी है तो विड्रॉल के लिए जो विड्रॉल साइन सिप्टम आते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए मेथाडोन देते हैं, मेथाडोन मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। और जबकि एंटीडोट नैलॉक्सोन आ जाता है। इसके अलावा आपको ये पता है कि अगर मॉर्फिन और हीरोइन के साथ कोकेन यूज़ करें तो उसको बोलते हैं स्पीड बाल। क्या बोलते हैं उसको? स्पीड बाल। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि ये जो होती है हीरोइन, ये सिंथेटिक फॉर्म होती है। किसकी फॉर्म होती है? सिंथेटिक ओपियम की सिंथेटिक फॉर्म होती है और इसके अनराइप कैप्सूल से डिराइव की जाती है। और आपको ये भी पता है कि जो ओपियम होती है और जो दूसरे होते हैं पॉइजन्स होते हैं किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? ये न्यूरोटिक्स वाली कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जो न्यूरोटिक्स होते हैं दो टाइप के होते हैं, सेरिब्रल और स्पाइनल। जो स्पाइनल पॉइजन है स्ट्राइजिनिन, सेरिब्रल में सोमनीफिरस इनेब्रियंट और डिलिरियंट पॉइजन। जो सोमनीफिरस पॉइजन्स होते हैं एनल्जीजिया और स्लीप प्रोड्यूस करते हैं और इनको थेरापेटिकली यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ओपियम। जो इनेब्रियंट पॉइजन होते हैं ये एक्साइटमेंट और एक्साइटमेंट के बाद कोमा करवा देते हैं, कन्फ्यूजन वगैरह करवा देते हैं। जो क्लासिकल इनेब्रियंट है अल्कोहल, लेकिन जो हाइड्रोकार्बन है उसमें कैरोसिन आती है, इंसेक्टिसाइड के अंदर ऑर्गेनोफॉस्फेट आ जाते हैं। डिलीरियंट पॉइजन ऐसे पॉइजन होते हैं जो कन्फ्यूजनल स्टेज क्रिएट करते हैं, जो एक्साइटमेंट क्रिएट करते हैं उनको इनेब्रियंट बोलते हैं, जो कन्फ्यूजन स्टेज को जनरेट करते हैं उनको बोलते हैं डिलीरियंट। इसमें धतूरा, कैनाबिस इंडिका और कोकीन आ जाता है। जबकि स्ट्राइचिनिन स्पाइनल पॉइजन है। स्ट्राइचिनिन क्या है? स्पाइनल पॉइजन। मैं आपको ये बता रहा था कि जो ओपियम होती है जिसको अफीम या मॉर्फिन बोलते हैं, ये पोपी प्लांट जिसको पेपावर सोमनीफिरम बोलते हैं, उसके जो ड्राइड एक्सट्रैक्ट होता है उसको बोलते हैं ओपियम। जब क्रूड ओपियम होता है ये, इसका एक पार्टिकुलर स्मेल होती है और इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा कड़वा होता है। इसका जो टॉक्सिक पार्ट होता है वो अनराइप फ्रूट कैप्सूल है, लेकिन इसका जो नॉन टॉक्सिक पार्ट होता है वो इसके सीड्स होते हैं। जो पॉपी के सीड्स होते हैं वो इसके नॉन टॉक्सिक पार्ट होते हैं, उनको बोलते हैं खशखास, जो खानों में इस्तेमाल होती है। जबकि इसका जो टॉक्सिक पार्ट है वो अनराइप फ्रूट कैप्सूल है। इस अनराइप फ्रूट कैप्सूल से जो जूस निकलता है उस जूस को बोलते हैं लेटेक्स जूस, और इसके सिंथेटिक फॉर्म को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? हम हीरोइन बोलते हैं। और आपको ये भी पता है कि इसके जो एक्टिव प्रिंसिपल होते हैं, जो इसके फिरेंथ्रीन डेरिवेटिव हैं, इसके अंदर मॉर्फिन, कोडीन, थीबेन, डायोनिन, हीरोइन आ जाती है। जबकि बेंजाइल आइसोक्विनोलोन डेरिवेटिव के अंदर, जो कि माइल्ड एनाल्जेसिक होते हैं, इसमें पेपावरीन और नारकोटीन आ जाते हैं। इसका मिमोनिक होता है PN। पेपावरीन और नारकोटीन आते हैं बेंजाइल आइसोक्विनोलोन डेरिवेटिव में, जबकि मॉर्फिन, कोडीन, थीबेन, डायोनिन और हीरोइन ये इसके फिनेंथ्रीन डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया ओपियाइड्स के बारे में, और ओपियाइड्स के बारे में आपको बताया था कि जो पिन पॉइंट पीपल है वो भी इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन पिन पॉइंट पीपल आपको POMP इस कंडीशन में देखने को मिल सकता है, पी से पॉन्टाइन हैमरेज, ओ से ऑर्गेनोफॉस्फेट, ठीक हो गया, ओके। ऑर्गेनोफॉस्फेट है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में भी देखने को मिल सकता है, ओके। और फिनोल की पॉइजनिंग में भी पिन पॉइंट पीपल आ जाता है, तो पॉम्प मिमोनिक होता है। नेक्स्ट है बिनोसिलेट मार्क्स इज सीन विथ विच स्नेक्स, के वो कौन से सांप होते हैं जिनकी वजह से बिनोसिलेट मार्क्स आ जाते हैं। तो बिनोसिलेट, सिलेट, सी से सिलेट और सी से आएगा कोबरा, कोबरा की वजह से ऐसे मार्क्स आना शुरू हो जाते हैं। और आपको ये पता है कि स्नेक्स की क्लासिफिकेशन क्या होती है? स्नेक्स दो टाइप के होते हैं, नॉन पॉइजनस और पॉइजनस। जो 2% स्नेक्स होते हैं वो पॉइजनस होते हैं। इनको मजीद तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, न्यूरोटॉक्सिक, वेस्कुलर टॉक्सिक एंड मायोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक में एलैपिड्स, वेस्कुलर टॉक्सिक में वाइपर्स और मायोटॉक्सिक में सी स्नेक आ जाते हैं, ठीक है। न्यूरोटॉक्सिक एलैपिड्स में कोबरा, किंग कोबरा, कोरल और क्रेट आ जाते हैं, जबकि वेस्कुलर टॉक्सिक में पिट वाइपर्स, नॉन पिट वाइपर्स, रसल वाइपर्स एंड सास किल्ड वाइपर्स, जबकि सी स्नेक्स मायोटॉक्सिक वाली कैटेगरी के अंदर आ जाते होते हैं। मैं आपको ये बता रहा था कि जो कोबरा होता है न्यूरोटॉक्सिक वाली कैटेगरी से बिलोंग करता है, इसकी वजह से क्या आ जाते हैं? इसकी वजह से बिनोसिलेट मार्क्स देखने को मिल सकते हैं, ओके। बिनोसिलेट मार्क्स देखने को मिलते हैं। और आपको ये भी पता है कि जो स्नेक्स होते हैं पॉइजनस और नॉन पॉइजनस दो कैटेगरी के होते हैं। इनमें क्या डिफरेंस होता है? एग्जाम में बहुत मरतबा इनके डिफरेंस आता है, ओके। जो पॉइजनस स्नेक्स होते हैं ये नॉकटर्नल होती है, इनकी हैबिट क्या होती है? नॉकटर्नल होती है, रात के वक्त निकलते होते हैं। जबकि नॉन पॉइजनस स्नेक, इनकी हैबिट नॉकटर्नल नहीं होती, सुबह भी निकल सकते हैं, रात में भी निकल सकते हैं। लेकिन जो पॉइजनस स्नेक होते हैं ये रात को ही मोस्टली निकलते होते हैं। स्टार्ट करते हैं इनके हेड स्केल से, तो हेड स्केल पॉइजनस के रिलेटिवली छोटे होते हैं, नॉन पॉइजनस के काफ़ी बड़े होते हैं, ओके। लेकिन यहाँ पर तीन एक्सेप्शन देखने को मिलती है कि जो पॉइजनस स्नेक जिनके हेड स्केल काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, तो एक है पिट वाइपर जो वेस्कुलर टॉक्सिक होता है, कोबरा और क्रेट दोनों के दोनों न्यूरो टॉक्सिक होते हैं,
ओके। जो पिट वाइपर है, पिट वाइपर में पिट आई के नीचे होती है, कोबरा में थर्ड लेबियल आई को टच करता है और नेजल शील्ड को टच करता है, जबकि क्रेट के अंदर फोर इंफ्रा लेबियल स्केल्स होते हैं माउथ के नीचे, और जो चौथा वाला होता है सबसे बड़ा होता है। तो हेड स्केल के बाद अगली बारी आती है बैली स्केल की। अब जिसके हेड स्केल बड़े होते हैं उसके बैली स्केल छोटे होते हैं, और जिसके छोटे होते हैं उसके बैली स्केल बड़े होते हैं। तो हेड स्केल छोटे थे पॉइजनस के, तो बैली स्केल बड़े होते हैं पॉइजनस स्नेक के, और वह पूरी की पूरी बैली को कवर करते हैं। जो डिस्टल स्केल होते हैं, डिस्टल स्केल और हेड स्केल ये तकरीबन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जिसके हेड स्केल छोटे हो गए उसके डिस्टल स्केल की एक ही रो होगी, ओके। और इसकी टेल भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। इसके अलावा पॉइजनस जो स्नैक्स होते हैं उनकी जो फैंग्स होते हैं लॉन्ग होते हैं और कैनलाइज होते हैं, लॉन्ग और कैनलाइज होते हैं। ऐसा लगता है कि कोई जो एक क्या होते हैं सुई होती है, सुई में जो छोटा सा सुराख होता है बिल्कुल वैसे ही होते हैं। और इनकी बाइट मार्क्स में टू फैंग मार्क्स होते हैं, जबकि नॉन पॉइजनस में स्मॉल टीथ मार्क्स होते हैं, ठीक है, स्मॉल टीथ मार्क्स। तो उम्मीद है कि आपको नॉन पॉइजनस और पॉइजनस स्नेक का फ़र्क समझ आ गया होगा ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट्स, हेड स्केल, बैली स्केल, प्यूपिल, इसके अलावा जो डिस्टल स्केल्स होते हैं, टेल्स के टेल है, ठीक है, और बाइट मार्क्स हैं। तो ये पॉइजनस और नॉन पॉइजनस, इसका फ़र्क आपने अच्छे तरीके से याद करना है, एग्जाम में आता होता है। नेक्स्ट चलते हैं, चेरी रेड डिसकलरेशन इज सीन विच, जो चेरी रेड म्यूकुला या चेरी रेड म्यूकोजा किसके वजह से आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग में आपको स्पेसिफिकली क्या देखने को मिलता है, चेरी रेड डिसकलरेशन देखने को मिलती है। और इस टाइप की डिसकलरेशन को आप कह सकते हो पोस्टमार्टम लिविडिटी, यानी चेरी रेड डिसकलरेशन या लाइवर मोर्टिस इंडिकेट करता है कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग को। इसके अलावा बर्न्स में या कोल्ड में भी चेरी रेड आ सकता है, जबकि पिंक वाला जो मार्क होता है ये हाइड्रोजन साइनाइड की पॉइजनिंग में आता है। बाकी हाइड्रोजन सल्फाइड की पॉइजनिंग में ब्लूइश ग्रीन लाइवर मोर्टिस देखने को मिलती है, जिसको हाइपोस्टेसिस या पोस्टमार्टम लिविडिटी बोलते हैं। अगर पोस्टमार्टम लिविडिटी ब्लैक है तो ओपीएम की पॉइजनिंग है, साइनोटिक टिंज है तो एस्फिक्सिया हो गया है, ब्राउन टू ब्लैक है तो मम्मीफाइड बॉडी है, अगर ब्रॉन्ज शेप है तो कोलिस्टेडियम परफ्रिंजिस की टॉक्सिटी हो गई है, अगर ब्राउन टू डार्क है इसका मतलब एनिलीन या फॉस्फोरस की पॉइजनिंग हो गई है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। और जो साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड इनका डिफरेंस बार बार आता है, तो साइनाइड के केस में जो कलर ऑफ लिविडिटी होती है वो ब्राइट रेड होती है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में चेरी रेड और ब्राइट रेड दोनों देखने को मिलती है। जो चेरी रेड की वजह क्या होती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और ब्राइट रेड की वजह क्या होती है, क्योंकि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है और एनीमिक हाइपोक्सिया की वजह से, जबकि साइनाइड की वजह से हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया होगा। इस केस में भी ऑक्सीजन कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि टिश्यू इसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, तो इस केस में ब्राइट रेड भी देखने को मिलता है। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। जो पिंक कलर मैंने आपको बताया था ये हाइपोथर्मिया की वजह से देखने को मिल सकता है, चॉकलेट ब्राउन ये इंपॉर्टेंट है, चॉकलेट ब्राउन नाइट्राइट की वजह से, एनिलीन की वजह से देखने को मिल सकता है, ब्रॉन्ज वाला सेप्टिक अबॉर्शन या जो कोलिस्टोडियम परफ्रिंजिस की वजह से होता है, जबकि ग्रीन कलर वो होता है हाइड्रोजन सल्फाइड की पॉइजनिंग की वजह से, सल्फा हीमोग्लोबिन बन जाता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि पोस्टमार्टम लिविडिटी से आपने किस तरह से डायग्नोसिस करना है पॉइजनिंग की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइनाइड पॉइजनिंग एंटीडोट, साइनाइड पॉइजनिंग हो गई है तो उसके लिए जो एंटीडोट हम यूज़ करते हैं वो एंटीडोट होता है, एंटीडोट हम यूज़ करेंगे सोडियम थायो सल्फेट। अब आपको बहुत सारे एंटीडोट का पता होना चाहिए, जो ऑक्जैलिक एसिड है जिसको इंक रिमूवर बोलते हैं, इंक रिमूवर के अंदर होता है ऑक्जैलिक एसिड, तो उसको जो एंटीडोट होता है उसका नाम है लाइम, कैल्शियम ग्लूकोनेट, फॉस्फोरस का कॉपर सल्फेट होता है, ऑर्गेनोफॉस्फेट का एट्रोपिन होता है, धतूरा का फाइसोस्टिकबिन होता है, आर्सेनिक का ब्रिटिश एंटी लुविसेट होता है, मरकरी का ब्रिटिश एंटी लुविसेट होता है, लेड का EDTA होता है, एल्कोहल का इथाइल अल्कोहल होता है, यानी इथाइल अल्कोहल ही एंटीडोट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, ओपियम अफीम के लिए नैलोक्सोन होता है, हीरोइन के लिए एमाइल नाइट्राइट यूज़ करते हैं, भंग गंजा चर्स के लिए डायजीपाम यूज़ करते हैं, स्ट्राइचरीन के लिए भी डायजीपाम यूज़ करते हैं, कॉपर के लिए पेनिसिलामिन यूज़ करते हैं, साइनाइड के लिए पहले हाइड्रोक्सो कोबालामिन यूज़ करते हैं, अगर वो अवेलेबल नहीं है तब आप सोडियम थायोसल्फेट और सोडियम नाइट्राइट यूज़ करते हैं। इसके अलावा गैस्ट्रिक लेवेज परफॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ 5% सोडियम थायोसल्फेट एंड सोडियम नाइट्राइट। तो ये था साइनाइड की पॉइजनिंग का एंटीडोट। साइनाइड पॉइजनिंग एंटीडोट दोबारा आ चुका है, तो हाइड्रोक्सी कोबालामिन और दूसरा सोडियम नाइट्राइट प्लस सोडियम थायोसल्फेट। तो साइनोजन या प्रूसिक एसिड भी बोलते हैं, कलरलेस होता है, इसकी ऑर्डर बीटर आलमोंड जैसी होती है, कड़वे बादाम जैसी होती है। ओके, वो कहते हैं कि जो तो साइनाइड है ये पॉइजन ऑफ सुसाइड होता है, ठीक है, पॉइजन ऑफ सुसाइड होता है, तो इसका एंटीडोट हाइड्रोक्सोकोबालामीन और इसका गैस्ट्रिक लेवेज 5% ऑफ सोडियम थायोसल्फेट प्लस सोडियम नाइट्राइट ये होता है। नेक्स्ट है एक्रोडेनिया इज सीन विद, एक्रोडेनिया किस पॉइजनिंग में देखने को मिलती है, तो जो एक्रोडेनिया ये हमें मरकरी की पॉइजनिंग में देखने को मिलती है एक्रोडेनिया। तो जो मरकरी पॉइजनिंग है इसकी क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होती है, तो इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को याद करने के लिए इसका निमोनिक होता है मीट्स, एम से मर्क्यूरियल एंटीस,
प्रिकोर एमाइगा, मेम्ब्रेनस कोलाइटस, इसके अलावा एरिथिज़म, एक्रोडिना, एक्रोडिनिया, पिंक डिजीज बोलती है। फिर इसके अलावा टी सेल ट्रॉमास आ जाते हैं, एस एस लाइवेशन एंड जिंजिवाइटस, एस एस लाइवेशन एंड जिंजिवाइटस। ठीक हो गया। तो एम से होगा मर्क्यूरियल एंटीज। इसमें होता क्या है, इसमें जो एंटीरियर पार्ट ऑफ द लेंस होता है उसमें मर्क्यूरी की डेपोजिशन होना शुरू हो जाती है, और मर्क्यूरी की डेपोजिशन के होने की वजह से उसका कलर ब्राउन हो जाएगा। तो मर्क्यूरियल एंटीज को किस तरह से डिफाइन करेंगे, द ब्राउनिश डेपोजिशन ऑफ मर्क्यूरी ऑन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द लेंस थ्रू द कॉर्निया इज कॉल्ड मर्क्यूरिया लेंटिस। इसके बाद बारी आती है मेम्ब्रेनस कोलाइटस की, उसको आप रट्टा मार लेना, इसको एक्सप्लेन नहीं किया हुआ मजीद। इसके बाद मर्क्यूरियल एरिथिज्म, मर्क्यूरियल एरिथिज्म में होगा क्या, इसमें उस बंदे की पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, ओके, यानी शाइनेस आना शुरू हो जाएगा, इरिटेबिलिटी है, ट्रेमर्स आना शुरू हो जाएगा, मेमोरी खत्म हो जाएगा, इंसोम्निया हो जाएगा, उसकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी, इरिटेबिलिटी, सेंसिटिविटी, शाइनेस आना शुरू हो जाएगा, पागलपन होना शुरू हो जाएगा। ओके, इसके बाद टी से ट्रैमर, इसके जो ट्रैमर होते हैं इनके ट्रैमर का स्पेसिफिक नेम है, उसको बोलते हैं हीटर्स शैक ट्रेमर, क्योंकि जो मर्करी होता है वो हैट, जो टोपी वाली इंडस्ट्री होती है, हैट हैट इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है, और इसके ट्रैमर्स को हीटर्स शेक ट्रैमर बोलते हैं, क्योंकि ये जो हमारे फिंगर्स के मसल्स को इन्वॉल्व करता है। फिंगर के मसल्स के बाद बारी आती है मसल्स ऑफ टंग की, फिर इसके बाद बारी आती है मसल्स ऑफ फेस, आर्म्स और लेग्स की। ओके, तो इसको बोलते हैं हीटर्स शेक ट्रैमर्स, हीटर्स, या इसके ट्रैमर को डैन ब्यूरी ट्रैमर भी बोलते हैं, या इसके ट्रैमर को ग्लास ब्लोअर ट्रैमर भी बोलते हैं। इसके अलावा इस केस में स्लाइवेशन भी ज़्यादा हो जाती है, इस स्लाइवेशन को टाइलिज्म बोलते हैं, या सियाल यूरिया बोलते हैं, सियाल यूरिया बोलते हैं। इसके अलावा जिंजिवाइटिस हो सकता है, गम्स के ऊपर ब्लू ब्लैक लाइन आ जाती है जिसको बोलते हैं बर्टूनियन लाइन। इन शॉर्ट, जो मर्करी की क्रॉनिक पॉइजनिंग होती है, तो क्रॉनिक पॉइजनिंग को हाइड्रल गायरिज्म बोलते हैं। इस हाइड्रल गायरिज्म में आपको स्लाइवेशन ज़्यादा देखने को मिलती है जिसको टाइलिज्म बोलते हैं, या सियालोरिया बोलते हैं। माउथ में मेटालिक टेस्ट होगा, क्लोसाइटस कंजक्टिवाइटिस, जिंजिवाइटिस हो जाता है, गम्स के ऊपर ब्लू ब्लैक लाइन आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा आप कह सकते हो कि पर्सनैलिटी चेंज आना शुरू हो जाता है, डायरिया होगा, हीटर्स शेक होगा, मर्क्यूरियल एरिथिज्म होगा, मर्क्यूरिया लेंटिस होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। इसके अलावा आपको पता है कि मर्क्यूरी के अलावा और दूसरे मेटालिक पॉइजन कौन कौन से होते हैं, आर्सेनिक है, कॉपर है, मर्क्यूरी है और लेड होते हैं, तो इनके क्या क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है, यानी इनके क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होती है, हेयर का और स्किन का क्या कलर होता है। अगर आप आर्सेनिक की पॉइजनिंग होती है तो आर्सेनिक के केस में स्किन, हेयर और म्यूकस मेम्ब्रेन का कलर येलो होता है, जबकि कॉपर के केस में स्किन में जॉन्टस देखने को मिलता है, ग्रीन ब्लू स्किन हेयर देखने को मिलती है, ग्रीन ब्लू या ग्रीन पर्पल, जबकि मर्करी में ब्लू ब्लैक आती है, जबकि लेड में ब्लू स्टिपल्ड बर्टोनियन लाइन आती है अपर जॉ के ऊपर। ठीक हो गया। जो आर्सेनिक की पॉइजनिंग होती है उसमें आपको रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन देखने को मिलती है, ब्राउनिश पिगमेंटेशन देखने को मिलती है, ब्लैक फुट डिजीज भी हो सकता है, किसकी वजह से, आर्सेनिक की वजह से। बाकी मर्करी की वजह से बर्डोलियन लाइन बता दिया, मर्क्यूरियल लेंटिस बता दिया, एक्रोडीनिया बता दिया। एक्रोडीनिया नाम से लग रहा है कि ये मर्करी की पॉइजनिंग है, और ये पिंक असल में आना शुरू हो जाता है। ठीक है, ओके, तो एक्रोडीनिया किसकी वजह से होता है, मर्करी की वजह से हो सकता है। ओके, इसके अलावा मर्करी की वजह से एक और डिजीज़ होता है जिसको बोलते हैं मिनी मैटा डिजीज़। मिनी मैटा डिजीज़ ऑर्गेनिक मर्करी की पॉइजनिंग होती है, जिसमें अगर आप ऐसी फिश को खा लो जो मर्करी से पॉइजनड है, तब इस कंडीशन को बोलेंगे मिनी मैटा डिजीज़। ओके, तो ये सारा हो गया मर्करी के बारे में। नेक्स्ट हम चलते हैं, मैक्सिमम चेंज टू द इसोफेगस इज कॉज्ड बाय, इसोफेगस के ऊपर मैक्सिमम चेंज कौन कॉज करवाता है, एसिड, अल्कलीज, तो इसका बेस्ट ऑप्शन है अल्कलीज। इसोफेगस के ऊपर मैक्सिमम डैमेज आएगा वो अल्कली के इंजेक्शन की वजह से आएगा, ना कि एसिड के इंजेक्शन की वजह से। अब अल्कली लिकोफेक्टिव नेक्रोसिस करवा देती है, जबकि एसिड कोआगुलेटिव नेक्रोसिस करवाती है। अब लिकोफेक्टिव नेक्रोसिस की वजह से ज़्यादा डैमेज होता है एज़ कम्पेयर टू कोआगुलेटिव नेक्रोसिस। लिकोफेक्टिव नेक्रोसिस की वजह क्या होती है, लिकोफेक्टिव नेक्रोसिस की सबसे बड़ी वजह होती है हाइड्रोलिटिक एंजाइम, और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम WBC को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह, पस के फॉर्मेशन हो जाएगा, CNS का स्कीमिया भी हो सकता है। जबकि एसिड करते क्या है, एसिड प्रोटीन को कोआगुलेट कर देंगे, जिसकी वजह से कोआगुलेटिव नेक्रोसिस देखने को मिलती है। कोआगुलेटिव नेक्रोसिस हमारे बॉडी के तमाम ऑर्गन्स में देखने को मिलती है सिवाय ब्रेन में, जिसमें लिकोफेक्टिव नेक्रोसिस होती है। नेक्स्ट है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइजनिंग द CSF इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिजर्व्ड, कि CSF को किस पॉइजनिंग के अंदर हम प्रिजर्व करते होते हैं। अगर अल्कोहल की पॉइजनिंग हो तब हम CSF को प्रिजर्व करते होते हैं, और जो प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं उसका नाम है सोडियम फ्लोराइड या पोटेशियम फ्लोराइड या पोटेशियम ऑक्सालेट, यानी फ्लोराइड को CSF में ऐड करते हैं फॉर अल्कोहल एस्टिमेशन। ठीक हो गया, ओके। इसके अलावा
हम वाइट्रस ह्यूमर और यूरिन को भी चेक कर सकते हैं अल्कोहल के एस्टिमेशन के लिए। यानी अगर अल्कोहल की पॉइजनिंग को अगर आपने करना है तो फिर आपने कौन कौन से सैंपल्स लेने हैं। तो सबसे पहला जो प्रेफरेबल चॉइस होती है हमारी, वो होती है हमारी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसके अलावा आप वाइट्रस ह्यूमर आपको पता है कि आइस के अंदर एक फ्लूइड होता है जो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता होता है, तो वाइट्रस ह्यूमर भी ले सकते होते हैं। इसके अलावा दूसरे जो पॉइजन्स होते हैं, दूसरे पॉइजन्स के अंदर आपको पता है कि स्ट्राइचिनिन है, तो स्ट्राइचिनिन के अंदर आपने स्पाइनल कॉर्ड को प्रिजर्व करना है, इसकी पूरी लेंथ को। अगर इंसेक्टिसाइड की पॉइजनिंग है तब आपने फैट को प्रिजर्व करना है। और जो कोबास की पॉइजनिंग है, कोबास COBES, सी से कार्बन मोनोऑक्साइड, सी से साइनाइड, ओ से ऑर्गेनोफॉस्फेट, ओपिएट, बारबिट्यूरेट, यानी जो न्यूरोटिक्स पॉइजनिंग है, इसके इसमें आपने ब्रेन को प्रिजर्व करना है, जबकि आर्सेनिक को या रेडियम या थेलियम की पॉइजनिंग में आपने बोन को प्रिजर्व करना है, क्योंकि ये बोन के अंदर डेपोजिट होना शुरू हो जाते हैं। ओके, बोन के ऊपर डेपोजिट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये आपको मैंने सारे बता दिया कि कौन कौन सा सैंपल किस कंडीशन में प्रिजर्व करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में एट्रोपिन, ऑक्साइम और PAM इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम चारकोल को यूज़ नहीं करते। अब आपको पता है कि जो ऑर्गेनोफॉस्फेट आते हैं वो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो जो ऑर्गेनोफॉस्फेट होते हैं आपको पता है कि न्यूरोटिक वाली कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सेरिब्रल न्यूरोटिक्स होते हैं। अब जो सेरिब्रल न्यूरोटिक्स होते हैं, सेरिब्रल न्यूरोटिक में भी ये एक्चुअली किस क्लासिफिकेशन से बिलोंग करता है, तो ये बिलोंग करता है इंसेक्टिसाइड में से, इनएब्रिएंट पॉइजन में से, जबकि सोमनीफेरस पॉइजन में ओपीआइड और डेलिरियम पॉइजन में CCD, कैनाबस इंडिका, कोकेन और धतूरा आ जाते हैं। ओके, तो जो ऑर्गेनोफॉस्फेट होते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, अल्काइल फॉस्फेट और अराइल फॉस्फेट कंपाउंड। ओके, और अल्काइल फॉस्फेट और अराइल फॉस्फेट कंपाउंड। जो अल्काइल फॉस्फेट होते हैं इसमें मैलाथियोन आता है, जिसको हम बग किलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बग किलर बोलते हैं। जबकि अराइल फॉस्फेट के अंदर पैराथियोन और डायजिनोन आ जाते हैं, पैराथियोन और डायजिनोन आ जाते हैं, जिनको आपने याद रखना है। जबकि अल्काइल फॉस्फेट में मैलाथियोन के अलावा HETP, TEPP, डेमीफॉक्स, ट्राइक्लोरफोस ये आ जाते हैं। ठीक हो गया। ओके, आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता है, एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट करना शुरू कर देते हैं, और इसका निमोनिक होता है डंबल्स। इसकी इन्वेस्टिगेशन में आप प्लाज्मा कोलिनेस्टरेज देखते हैं और RBC कोलिनेस्टरेज देखते हैं। सबसे पहले RBC कोलिनेस्टरेज और फिर इसके बाद आप प्लाज्मा कोलिनेस्टरेज की तरफ जंप करते होते हैं। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम किसको ट्रीटमेंट में यूज़ नहीं कर सकते। तो ट्रीटमेंट में हम चारकोल यूज़ करते। इसका जो एंटीडोट होता है वो एट्रोपिन, पैरिलिडोक्सिम, ओबिडोक्सिम होता है। एट्रोपिन मस्किनिक टॉक्सिसिटी को तो रिवर्स कर देगा, लेकिन ये निकोटिनिक टॉक्सिसिटी को रिवर्स नहीं करेगा, तो आपको कोलिनेस्टरेज डीएक्टिवेटर लेने पड़ते हैं। CNS के अंदर डैम डाइसिटाइल मोनोक्साइम, जबकि पैम पैरिलिडोक्सिम आयोडाइड ये यूज़ किया जाता है। ठीक हो गया। ये ऑक्साइम हमारे इसके लिए इस्तेमाल की जाती है, किसके लिए? PNS के लिए। जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है ये साइनाइड की पॉइजनिंग के अंदर इस्तेमाल होता है, उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है, ना कि इस कंडीशन में। गैस्ट्रिक लेवेज किन किन कंडीशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, तो आपको मैं सारा बता चुका हूँ। कैरोसिन, पेट्रोलियम, स्ट्राइचिन, इसका तो आपने याद करना ही करना है। 51 MCQ, टू विच ऑफ द फॉलोइंग अ पॉइजन अ पर्सन गेट इजिली टॉलरेटेड एंड एडिक्टेड। किसका बंदा एडिक्ट हो सकता है? तो कैफीन, कैनाबिस और अल्कोहल किसका सबसे ज़्यादा इजीली एडिक्ट हो सकता है? तो वो सिगरेट होती है ना, टोबैको सबसे ज़्यादा कॉमन जो यूज़ किया जाता है, उसकी एडिक्शन काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती है। एंटीडोट फॉर फास्फोरस पॉइजनिंग, फास्फोरस पॉइजनिंग का जो एंटीडोट होता है वो होता है कॉपर सल्फेट। आपको पता है कि जो फास्फोरस दो फॉर्म में होता है, व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस। जो रेड वाला होता है नॉन टॉक्सिक होता है, व्हाइट वाला काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होता है। जो फास्फोरस की पॉइजनिंग में फोसी जा हो जाता है, और जो म्यूकोजा होता है उसको, म्यूकोजा को गार्लिक की म्यूकोजा बोलते हैं, और ये गार्लिक की म्यूकोजा सल्फोस में और आर्सेनिक की पॉइजनिंग में भी देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट आर्सेनिक पॉइजनिंग एक्सेप्ट, कि सब चीज़ें आर्सेनिक पॉइजनिंग के बारे में ठीक है, क्या बात ठीक नहीं है? तो जो यहाँ पर लिखा हुआ है मिमिक्स, टेटनस, ये नहीं होता। अब आपको पता है कि जो आर्सेनिक पॉइजन है, जो आर्सेनिक है, कॉमनली यूज होमिसाइडल एजेंट होता है। इसकी वजह से हेमरेजिक गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो सकता है, GIT का म्यूकोजल नेक्रोसिस हो सकती है। ये कॉलेरा को मिमिक करता है, कॉलेरा के अंदर राइस वाटरी स्टूल आते हैं, ना कि टेटनस को। जो टेटनस को रिजेंबल करने वाला स्ट्राइचिन होता है। ओके, डायरिया के साथ टिनेस्मस और इनर इरिटेशन होती है, तो आर्सेनिक की पॉइजनिंग में ब्लैक फुट डिजीज हो जाता है। ब्लैक फुट डिजीज, अब ब्लैक फुट डिजीज का क्या मतलब होता है? इसमें क्या होती है? डिसकलरेशन देखने को मिलती है किसकी? स्किन की। तो ब्लैक फुट डिजीज बोलते हैं। ओके, इसके अलावा जो म्यूकोसा होता है स्टोमक का, वो रेड वेलवेटी अपेयरेंस का होता है। रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन देखने को मिलती है बॉडी के ऊपर, और इसका जो स्पेसिफिक टेस्ट होता है उसको बोलते हैं मार्श टेस्ट। ओके, मार्श टेस्ट। ओके,
हाइपरकेराटोसिस हो सकती है। इसकी फैटल डोज 0.1 से लेकर 0.2 मिलीग्राम हो सकती है। नेल्स के ऊपर स्पेसिफिक लाइन आ जाती है जिसको बोलती है मी लाइन, और ये मी लाइन थीलियम के अंदर भी देखने को मिल सकती है। क्रॉनिक पॉइजनिंग में इंसेफलोपैथी हो सकती है, पोलीन्यूरोपैथी हो सकती है, टिंगलिंग, नंबनेस, पैरिसिस हो सकती है, और इसके एंटीडोट में सक्सिमर और ब्रिटिश एंटी ल्यूसिड इस्तेमाल होता है। 54 रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन। तो रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन में आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन है, ब्लैकवुड डिजीज है, रेड वेलवेटी म्यूकोजा, ये आपको आर्सेनिक की पॉइजनिंग में देखने को मिल सकता है। मियोसिस इज कॉज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, के मियोसिस किसकी वजह से नहीं होती। ओके, तो जो मियोसिस नहीं होती वो होती है साइनाइड की वजह से या एचसीएन की वजह से मियोसिस नहीं होती। ओके, बाकी सब की वजह से मियोसिस हो जाती है, ओपियाइड की वजह से, पॉन्टाइन हेमरेज की वजह से, ऑर्गेनोफॉस्फेट की वजह से। अब आपको पता है कि जो हाइड्रोसियानिक एसिड है उसको साइनोजन बोलते हैं या उसको पुरुषिक एसिड बोलते हैं। कलरलेस होता है, इसका ऑर्डर कड़वे बादाम जैसा होता है, बिटर आलमंड है। ठीक हो गया। ओके, तो साइनाइड के वाइट पाउडर फोटोग्राफी में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इस्तेमाल होते हैं। ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज और कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम दोनों को ब्लॉक कर देता है। कॉज ऑफ डेथ मेनली साइटोटॉक्सिक और हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया की वजह से होती है। इसके साइन सिस्टम में जो पीपल होता है वो डायलेटेड और फिक्स्ड होता है, ना कि मियोसिस नहीं होती। रिस्पायरेटरी फेलियर हो सकती है, डेथ भी हो सकती है, और इसके एंटीडोट में हाइड्रोक्सोकोबालामिन, गैस्ट्रिक लेवेज वगैरह ये आ जाता है। ओके, सियानोमेथीमोग्लोबिन की वजह से जो ब्राइट रेड अपेयरेंस देखने को मिलती है। ओके, जिसको बोलते हैं ब्रिक रेड या ब्राइट रेड। नेक्स्ट है 56, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन साइनाइड पॉइजनिंग। मैं आपको बता चुका हूँ कि हाइड्रोक्सोकोबालामिन पे सोडियम थायोसल्फेट 5% प्लस सोडियम नाइट्राइट। नेक्स्ट है सी स्नेक विनम इज मोस्टली। तो सी स्नेक विनम मायोटॉक्सिक होते हैं, जबकि कोबरा क्रेट न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, लैपेट्स होते हैं, वाइपर्स वैस्कुलोटॉक्सिक होते हैं, हिमाटोटॉक्सिक होते हैं। बीटन बाई क्रेट, क्रेट ने काटा है, तो क्रेट्स और जो होते हैं कोबरा होते हैं, किंग कोबरा होते हैं। ओके, तो ये किस कैटेगरी से आते हैं, न्यूरोटॉक्सिक वाली कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आगे ब्लड अल्कोहल लेवल वाइल्ड ड्राइविंग, ठीक है। ओके, तो जो नॉर्मल लिमिट होती है फॉर ड्रिंकिंग तो वो 30 मिलीग्राम तक होती है। 30 मिलीग्राम रट्टा मार लेना है, 80 मिलीग्राम पर निस्टैग्मस हो जाता है, फिर 150 के ऊपर डबल करो तो मसल की इनकोऑर्डिनेशन हो जाती है, और मज़ीद आप डबल कर लो तो कोमा हो सकता है। हूच ट्रेजिडी इज ड्यू टू, हूच ट्रेजिडी मिथाइल अल्कोहल की वजह से होती है, क्योंकि मिथाइल अल्कोहल बॉडी के अंदर फॉर्मल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वो फॉर्मल्डिहाइड रेटिना को डैमेज कर देगा जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस हो सकती है। इसके अलावा फॉर्मल्डिहाइड कन्वर्ट होगा फॉर्मिक एसिड में, जिसकी वजह से आपको हाई एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिल सकती है। तो इसको बोलते हैं हूज ट्रेजिडी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ कैनाबस इंडिका। तो कैनाबस इंडिका की भंग, चरस, गंजा, माजून ये सब होती है, लेकिन कोकीन नहीं होती। अब कोकीन को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो कोकीन होती है ये कैनाबस सेटिवा वाले प्लांट से डिराइव की जाती है। ओके, सॉरी, मैं कैनाबस इंडिका की बात कर रहा था। तो कैनाबस इंडिका कैनाबस सेटिवा वाले प्लांट से डिराइव किया जाता है। इसके जो अगर पत्ते सूखे हुए हो, ड्राइड लीव हो, तो उनको बोलते हैं भंग, लेकिन अगर ड्राइड फीमेल इनफ्लोरिसेंस है तब इसको गंजा बोलते हैं। अगर इसके स्टेम में रेजिनस एक्सट्रैक्ट को निकाले तो वो चर्स और हशीश बन जाता है। और कैनाबस के दूसरे नाम है मैरिजुआना या मैरिहुआना। ठीक हो गया। ओके, कहते हैं कि कैनाबस इंडिका की वजह से अचानक उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, और बिहेवियर चेंज होने के बाद वो भूल जाता है कि उसने क्या कुछ किया था। तो इसकी पॉइजनिंग को बोलते हैं रन अमोक। क्या बोलते हैं? रन अमोक। अब आपको पता है कि जो कॉमनली यूज्ड या कॉमनली अब्यूज सब्सटेंस उनकी क्या पॉइजनिंग होती है। कोकेन में मैग्नस सिंड्रोम आ जाता है, जिसको कोकेन बग्स बोलते हैं, टैक्टाइल हेलोसिनेशन बोलते हैं, टंग और टीथ दोनों काले पड़ जाते हैं। कैनाबस इंडिका में रन अमोक आ जाता है, ए मोटिवेशन सिंड्रोम आ जाता है। अल्कोहल की वजह से मैकवेन साइन आता है, मॉर्बिड जालिसी जालिसी आ जाती है। एलएसडी की वजह से बैड ट्रिप्स हो जाता है। एम्फिटामिन की वजह से हेलुसिनेटरी डिस सिंड्रोम हो सकता है। फिनिसाइक्लिडिन और केटामिन की वजह से डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया हो सकता है। 62 अ नारकोटिक अब्यूज है, जेट ब्लैक टंग। अभी मैंने आपको बताया था कि जो टंग और टीथ काले पड़ जाते हैं आर्सेनिक की पॉइजनिंग के अंदर, सॉरी कोकेन की पॉइजनिंग के अंदर। ओके, 63 एमसीक्यू है कि विट्रियोल एज कैन बी डन बाय फॉलोइंग प्लांट। तो यहाँ पर जो प्लांट का नाम है उसका नाम है बिलावनोल, 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 जिसको मार्किंग नेट बोलते हैं। सिर्फ इसका नाम नोट कर लेना है, बिलावनोल और सेमी कार्पोल, जिनको मार्किंग नेट बोलते हैं, इनकी वजह से विट्रियोल एज हो सकता है। ओके, तो यहाँ तक हमने पूरी टॉक्सिकोलॉजी के एमसीक्यूज को रिवाइज कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।